इस ड्रिंक को पी के सर्दियों में आपके पसीने छूट जाएंगे भाई गॉड। यही तो है हमारी सर्दियों की रजाई भाई गॉड। आज के इस वीडियो में बहुत सारी शायरियां होने वाली हैं। हेलो हाय व्हाट्स अप, वेलकम टू सिटी का ठेका, वेलकम टू अनदर वीडियो। देखो हर वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपसे एक चीज जरूर बोलता हूँ, एंड दैट इज थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग द चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग द वीडियोज। बट अगर बाई चांस आपने अभी अभी ऐसा कहा ओ मैंने तो इनमें से कोई भी चीज़ नहीं करी, तो नेवर माइंड जी, आपके पास अभी भी मौका है। आप प्लीज़ सिटी के ठेके चैनल को सब्सक्राइब करो, सारी वीडियोस को देखो, पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, ठीक है जी। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच। अब शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, और आज का ये वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है, और उसकी सिंपल सी वजह यह है कि सर्दियों का आगाज हो चुका है। हवाओं में वो ठंडी ठंडी महक सी आने लगी है। शाम को 6:30 बजे के बाद तो ओहो क्या माहौल बनता है जी। और जैसे ही सर्दियाँ आती हैं हमें सबसे ज़्यादा किसकी याद आती है? यू गॉट इट राइट, हमारी प्यारी, हमारी सर्दियों के साथ ही हमारा सर्दियों का प्यार, हमारी प्यारी ओल्ड मॉन्क। ब्यूटी, ओहो, मैं कहता हूँ मतलब ये तो हम इसको पूरे साल सकते हैं, लेकिन सर्दियों में जो हमारा प्यार इसकी तरफ उमड़ता है, मैं कहता हूँ इससे ज़्यादा टेंशन सर्दियों में किसी चीज़ की नहीं होती कि क्या हमें ठेके पे, क्या हमें वाइन शॉप पे ये ओल्ड मॉन्क मिलेगी या नहीं, क्योंकि आई एम श्योर आपने भी ये ज़रूर एक्सपीरियंस किया होगा कि सर्दियों में इसकी शॉर्टेज हो जाती है ना, इधर उधर भागना पड़ता है। तो मैं तो भैया अपना स्टॉक ऑलरेडी ले आया हूँ ताकि सर्दियों में मुझे दिक्कत ना हो। पर मैंने एक चीज़ सोची कि हर सर्दियों में हम ओल्ड मॉन्क पीते हैं, अब हम या उसे गुनगुने पानी के साथ पिए ये सोच के कि ये दवा है, क्योंकि ये बॉटल सिर्फ दारू नहीं, ये दवा दारू है। आपके दवा दारू का इंतजाम कर दिया, ठीक है। तो हम इसको या तो गुनगुने पानी के साथ पीते हैं या फिर कोल्ड ड्रिंक के साथ पीते हैं, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको एक अलग अंदाज बताने वाला हूँ, एक अलग तरीका बताने वाला हूँ ओल्ड मॉन्क को पीने का। लेकिन उससे पहले ज़रा कुछ अर्ज करना चाहूँगा इसकी शान में, तो गौर फरमाइएगा। बड़ा मज़ा आता है जब बैठते हैं हम और तुम, बड़ा मज़ा आता है जब बैठते हैं हम और तुम, पर वो मज़ा दुगना हो जाता है जब बीच में रखी हो हमारी सर्दियों की साथी ओल्ड मॉन्क। पसंद नहीं आया, राइमिंग पे मत जाओ यार, आप इमोशंस पे जाओ। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे हम इस ओल्ड मॉन्क को बना सकते हैं चटपटी ओल्ड मॉन्क, मसालेदार ओल्ड मॉन्क। वो कैसे होगा, आओ शुरू करते हैं। तो जी इस चटपटी, इस मसालेदार ओल्ड मॉन्क को बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें ऑफ कोर्स चाहिए हमारी प्यारी ओल्ड मॉन्क। तो इसको पहले खोल लेते हैं। एंड आपको याद है आज से कुछ टाइम पहले एक बार ये खबर फैली थी कि ओल्ड मॉन्क बंद होने वाली है। भाई साहब हम सब कितना परेशान हो गए थे, इतने आर्टिकल्स आए, इतनी इतनी सारी न्यूज़ खबरें आने लगी कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर फाइनली जो मोहन मेकिंस जो इसको बनाते हैं उनके ओनर्स आए, उन्होंने ये क्लैरिफाई किया कि नहीं भैया आपकी प्यारी ओल्ड मॉन्क कहीं नहीं जा रही, दिस विल बी अवेलेबल इन द मार्केट। तब जाके हम लोगों ने चैन की सांस ली। तो अभी ये खुल गई है। वैसे एक प्रॉब्लम जो मुझे अक्सर होती है ओल्ड मॉन्क के साथ वो ये है कि यार इसकी चूड़ी फ्री हो जाती है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और मैं इनके मेकर्स को कहना चाहूँगा सर प्लीज़ थोड़ा चूड़ी पे काम करो ना, देखो अभी भी लग रहा है फ्री हो गई, नहीं अभी ठीक है। ठीक है जी, तो सबसे पहले वील टेक दिस ओल्ड मॉन्क टू मेक अ मसालेदार चटपटी ओल्ड मॉन्क। उसके बाद आप एक ऐसा जार ले सकते हो, आप एक बड़ा सा ग्लास ले सकते हो, जैसा भी आप ग्लास लेना चाहो, बस कोशिश करना कि अगर ऐसा मिल जाए तो ज़्यादा बढ़िया होगा, आपको पीने में ज़्यादा फील आएगी, ज़्यादा मज़ा आएगा, और ड्रिंक को बनाने में भी, इस कॉकटेल को बनाने में भी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो अब शुरू करते हैं। मैंने ले लिया है ये एक जार। अब इस जार में सबसे पहले क्या चीज़ जाएगी पता है आपको? ये आजमोला। हाँ जी, तो इसमें दो चार इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए होंगे, तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ आपको क्या क्या चाहिए। सबसे पहले चाहिए आपको एक ओल्ड मॉन्क, उसके बाद चाहिए आपको एक हाजमोला, हाजमोला भी ये वाली, वो जो अलग अलग फ्लेवर्स की आती हैं पुदीना वगैरह, वो सब कुछ नहीं, आपको यही वाली हाजमोला यूज़ करनी है ताकि वो जो इफ़ेक्ट है वो और ज़्यादा स्ट्रांग आए। इसके साथ आपको चाहिए होगा थोड़ा सा काला नमक, नींबू,
मिंट यानी कि ओहो क्या महक आती है इस पुदीने की, पुदीना। एंड साथ में चाहिए आपको थम्स अप, और कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं चलेगी, ओनली एंड ओनली थम्स अप। ठीक है जी, तो वो जैसे फूड चैनल में कहते हैं ना, सबसे पहले हम डालेंगे थोड़ा सा नमक। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, हम सिंपली लेंगे तीन, या चलो एक और ले लेते हैं, हम लेंगे चार हाजमोला, इसको डालेंगे हम जार में, फिर करेंगे इसको थोड़ा सा मडल। हाजमोला जार में जाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे मिंट, ऐसे कुछ करते हैं ना, ठीक है, ये गया जी मिंट इनसाइड द जार। इसके बाद डालेंगे जी हम इसमें हमारी प्यारी ओल्ड मॉन्क, कितनी जितना आपका मन करे, मैं थोड़ा सा हाथ खोल के ही डालता हूं जी। तो ये गई, ओहो मेरी सर्दियों की पहली रम है ये, वो भी आपके साथ। चीयर्स, थोड़ी सी और डाल देते हैं, क्या जा रहे जी। देखो खाने पीने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए कभी। ये गई ओल्ड मॉन्क इनसाइड द जार। ओके, इसके बाद हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा काला नमक, ज्यादा नहीं डालना। ओके, आफ्टर दिस हम लेंगे नींबू, बड़ा सिंपल तरीका है इसको काटने का। अच्छा वैसे कभी आपने घर में बनाई है ऐसे कॉकटेल तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, बिकॉज कई बार हम घर पे कॉकटेल्स इसलिए नहीं बनाते क्योंकि हमें लगता है यार बड़ा झमेला है, बड़ा सारा सामान चाहिए होगा। इसीलिए मैंने इस कॉकटेल में कोई ज़्यादा सामान नहीं है, नींबू घर पे होता ही है, मिंट घर पे होता ही है, ओल्ड मॉन्क होनी चाहिए घर पे, लेकिन अगर नहीं है तो बस यही आपको खरीद के लानी है, काला नमक भी घर पे होता ही है। तो इस कॉकटेल को बनाने के लिए आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, घर पे ही बनाओ, घर पे ही पियो और इन्जॉय करो। ठीक है, गया इसमें नींबू, मेरे को तो अभी से फील आ रही है, मुंह में आ रहा है पानी। ओके, मैं अब इसमें फटाफट से ना डाल देता हूं थम्स अप। एज आई सेड, कोई और कोल्ड ड्रिंक नहीं, ओनली थम्स अप, क्योंकि अगर आप कोक इस्तेमाल करोगे, अगर आप पेप्सी इस्तेमाल करोगे तो मीठी सी हो जाएगी, थम्स अप में वो पंच ज्यादा होता है। सो आई लव दिस साउंड, ये जो आती है ना आवाज, इसको हम पूरा डाल देते हैं बस। आई लाइक दैट, हमें बर्फ के लिए जगह भी तो छोड़नी है यार। उसके बाद हम लेंगे आइस, बर्फ, देखो थोड़ी स्टाइलिश है, ये गई बर्फ इसके अंदर, ये गई एक और बर्फ इसके अंदर, और उसके बाद हम थोड़ा सा देंगे इसको हिला, और मेरा मुंह पूरा पानी से भर है चुका, और फिर हम इसको करेंगे टेस्ट। मेरे को लगता है थोड़ी सी जो थम्स अप बची है ये भी डाल ही देता हूं। अगर आपको लग रहा है कि ये सब करने से ये मीठी हो जाएगी तो नहीं, क्योंकि हमने आइस भी थोड़ी सी ज्यादा डाली है, आइस भी पिघल के पानी बनेगी, सो वो उसको न्यूट्रलाइज कर देगी, और हमने हाजमोला डाली है उससे चटपटा जो स्वाद है वो बढ़ेगा, एंड इसमें काला नमक भी डाला है, नींबू भी डाला है। सो नाउ आई कांट वेट, आई कैन स्मेल ऑफ मिंट, करें आपके भी मुंह में पानी आ रहा है ना। चीयर्स। सर्दियों की ओल्ड मॉन्क का पहला सिप आपके साथ ऑन सिटी का ठेका, क्या चाहिए लाइफ में, और वंस अगेन चीयर्स। तो यार देखो अब मेरी तो ये ड्रिंक हो गई है तैयार, मैं इसको तसल्ली से बैठ के इंजॉय करने वाला हूँ। अच्छा जब आप इसको टेस्ट करो, अगर आपको लगे कि यार वो वाला मसालापन नहीं आ रहा, तो उसमें आप एक दो हाजमोला और भी डाल सकते हो, इन्हांस हो जाएगा टेस्ट। ठीक है जी, तो अब मैं जा रहा हूँ इस कमाल की मसालेदार ओल्ड मॉन्क को आराम से बैठ के पीने के लिए। तब तक आप एक काम करो, ज़रा कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको ये कॉकटेल कैसी लगी, अगर पहले कभी आपने ऐसी ऑलरेडी ट्राई की है तो ज़रूर वो भी बता दो, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करो, शेयर करो, एज आई सेड कमेंट करो,
लेकिन मुझसे बोला भी नहीं जा रहा कि मेरे मुंह में इतना पानी भरा हुआ है इस वक्त। हाँ, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करो, एंड अगली वीडियो में हम बहुत जल्द मिलते हैं। प्लीज़ ड्रिंक टेस्टफुली, प्लीज़ एंजॉय रिस्पॉन्सिबली। दिस इज़ माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ 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 मेरी ये बात ज़रूर माने आप, ठीक है जी। सो आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखें, टेक केयर, गॉड ब्लेस, चीयर्स, आदि कह रहे, ओके बाय।